गियर है, इसके आगे भी पीछे भी जाते हैं ट्रैक्टर। और चाचा ने यहाँ पर केले का पेड़ लगाया था छोटा सा, ये जो दिख रहा है उतने लगाए थे, और अभी तो ये पूरा बगीचा बन चुका है। और अभी ट्रैक्टर भी स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं पापा जोत रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पर है बीना और वहाँ पर देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में, मेरे गांव डौड़ा से। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, हम लोग कल मंदिर गए थे, फिर शाम को वहीं से गांव आ गए थे। तो अभी हम लोग आ रखे हैं खेत में, और खेत में अभी जब क्या बोलते हैं धान कटाई के बाद, फिर थोड़े खेत वेत में थोड़े टाइम बाद मसूर और गेहूँ बोने लग जाते हैं। तो अभी काफ़ी सारे लोग अपने अपने खेतों में आ रखे हैं, मतलब जोत रहे हैं खेतों को, कोई ट्रैक्टर से और कोई बैल वगैरह से। अभी हम लोग भी कल नया ट्रैक्टर लाए थे, पहले तो मतलब जब ट्रैक्टर नहीं था तो वो क्या बैलों से जोतना पड़ता था, फिर डल्ले वैसे रह जाते हैं तो उसके बाद हाथ वगैरह से फोड़ने पड़ते थे। अभी ट्रैक्टर है तो देख सकते हैं एकदम सही और गए, और काफ़ी सारे लोग आ रखे खेत में। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार अच्छे से, और मेरे साथ अभी गुगले भी आ रखे हैं। तो अभी खेत में मेरे साथ गोविंद भी आ रखे है, आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा इसको मेरे साथ व्लॉग्स में। हेलो गाइस, कल हमें नया ट्रैक्टर लाए थे, पहले हम बैल से जोतते थे, आजकल हम ट्रैक्टर से जोतते। तो अभी गोविंद हमको बताएगा कि ये ट्रैक्टर स्टार्ट कैसे होता है। चल पता, इसको खींचते चलता है और पहले इसको यहाँ पहुँचाते हैं, फिर इसको यहाँ, फिर यहाँ से इसको पकड़ते हैं, ऐसे करने से चलेगा। अगर आपको शॉर्टकट में करना है आपको ऐसे ही चलने रहेगा ये, फिर जब रोकने हैं आपको पहले इसको ऐसे डालना पड़ेगा, फिर इसको बंद करना पड़ता है। अगर रेस बढ़ानी है तो यहाँ से करना है, और पीछे को करने ट्रैक्टर को, तो इसको दबा के पीछे आ जाते हैं ट्रैक्टर जब चलती है। और सॉरी, ये पता नहीं क्यों ये गियर है, इससे आगे भी पीछे भी जाते हैं ट्रैक्टर। और इसको ढीले करके इसको आपको नीचे भी कर सकते हो, तो इसको ढीला करना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे टाइट से करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा इसका। हल्का मत सुनना, टाइट से करना पड़ता है। और इसमें पेट्रोल डालते हैं, बंदी करने से में इसको ये चौक में जाते हैं, फिर रन में स्टार्ट होते हैं, चौक में करके बंद हो जाते हैं। और अभी हम लोग याले खेत जोते थे, यहाँ ऊपर से लेके यहाँ नीचे तक, इस वाले जहाँ पर केले का पेड़ है इसके सामने जो खेत है वहाँ तक गोविंद लोगों के है, उसके नीचे फिर हमारे आते हैं, और फिर आगे साइड भी है उधर। और अभी यहाँ देख सकते हैं, पहले चाचा ने यहाँ पर केले का पेड़ लगाया था छोटा सा, ये जो दिख रहा है उतने लगाए थे, और अभी तो ये पूरा बगीचा बन चुका है। इधर देख सकते हैं गोविंद के पापा ने, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और इनमें केले भी लगते हैं जब सीज़न होता है। और नीचे देख सकते हैं अभी काफ़ी सारे लोग भी आ रखे हैं। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा नीचे का दिखाता हूँ, काफ़ी सारे लोग मार के देख सकते हैं, काफ़ी लोग खेत में मार के, कोई बैल से जोत रहे हैं, कोई ट्रैक्टर से, आप लोगों को ट्रैक्टर की आवाज़ भी आ रही होगी। तुम नीचे देख सकते हैं वहाँ ट्रैक्टर से भी जोत रहे हैं, काफ़ी सारे लोग आ रखे इधर अभी खेत में। और अभी हम लोगों ने भी ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया है, अभी याले खेत जोत रहे हैं शायद, दिखाता हूँ मैं आपको फिर। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, और अभी मौसम देख सकते हैं अभी भी कोहरा लगा हुआ है पूरा नेपाल साइड में, और इधर साइड भी ऊपर, इधर आगर हुआ यहाँ ऊपर, इधर साइड को हिरखान कोहरा लगा है, अभी तक धूप वगैरह भी नहीं आ रही है। तो यहाँ धूप आप मान के चलो 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में आती है,
और मौसम देख ही सकते हैं एकदम मस्त और क्या है, ठंडा और क्या है, लेकिन पिथौरागढ़ जितना नहीं और खा यहाँ, नॉर्मली है अभी तक तो, बाद में होगा दिसंबर जनवरी के महीने में। तो अभी ट्रैक्टर भी स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं पापा जोत रहे हैं। और अभी मैं भी जोतता हूँ एक बार दिंगे तो। तो आज दिन में हम वापस पिथौरागढ़ भी जा रहे हैं, दिन में निकलेंगे, तो अभी हम घर जा रहे हैं खाना खाने के लिए, खाना खा के फिर आज का व्लॉग थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे। और एक वीडियो में आपने देखा होगा हम वहाँ नेपाल गए थे, यहाँ से भी दिखता है नेपाल साइड का पुल का दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, उधर गए थे वहाँ नेपाल का मंदिर, वहाँ पे हम इधर साइड को गए थे पूरा घूमने। ये है कुकुर बिल्ला है, यहाँ पर है फोटो खींचो रहला देखने जगह में जा। और अभी गोविंद लोगों की बकरियां भी और क्या है, इसमें रख रखे अभी दिखाते हैं, इसके दो और क्या है, इसका नाम इन लोगों ने प्यू रख रखा है, इसके दो पार्टी हुए हैं, ये भैंस और इसका, इस बकरी के एक वो क्या बोलते हैं बुक्का और है, और इन लोगों ने इसका नाम डब्बू रख रखा है। अभी मैं आपको इनकी पाठियाँ भी दिखाता हूँ, गोविंद दिखाएगा, दिखा दे एक बार, ये देखो भाई ये दो इसके हैं, देख सकते हैं कितने प्यारे हैं, और एक उसके अभी समले के जानू वीरानू। तो भाई ये देख लो, ये हमारे गाय भैंस, ये अपनी गाय और ये हमारा भैंस, ये थोरा, हाँ थोरा कहते हैं, अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, पता नहीं कितने महीने और रखे, लेकिन देख रहे हो कैसे देख रहे हैं एकदम। एक और था पता नहीं कहाँ गया, वो किसी को दे दिया है शायद, फिर को नहीं पता, वे देख सकते हैं ये गाय हमारी, ये ऊपर पर गोविंद लोगों की देख सकते हो। हेलो गाइस, अभी हम खाना खा के सुनखोली जा रही हैं, हम चक्की में
हम पहुंच गए हैं फिलहाल, अब जाते हैं ऊपर। तो हेलो गाइस, हम थोड़ा ही दूर है ऊपर जाने में। वैसे फिलहाल सुमित तो ऊपर पहुंच गया है, हम जाते हैं। और देखो और ये देखो पीछे साइड कितने सुंदर पहाड़े दिख रहे हैं, पहाड़ मतलब जो भी हो। और देखो फिलहाल अब तो थोड़ा ही है, हम पहुंच गए। हम तीन जने आए थे लगभग। तो अभी हम लोग आ रखे थे सुनकोली दीदी के घर में, और धान भी कूटना था। तो अभी आप चक्की की आवाज़ सुनी सकते हैं, वहाँ बिना कूट रहे। अभी आपको चल के भी दिखाता हूँ। और यहाँ सुनकोली में भी काफ़ी मस्त जगह है, इधर पीछे देख सकते हैं केले के पेड़ पीछे, और काफ़ी ये आम का पेड़ यहाँ पर पीछे लगे हुए हैं, काफ़ी सही जगह है। और ये पीछे जो आप घर देख रहे हो वो दीदी का घर है, नीचे गाय भैंस देख सकते हो, और पीछे आमा भी है। तो अभी आपको चल के दिखाता हूँ चक्की। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मस्त घर, और यहाँ नीचे खेत में देख सकते हैं लिसनी मूली वगैरह बो रखी है, उधर आगे मिर्च, और आगे नेपाल के पहाड़, पूरी हरियाली भर रखी है आगे साइड देख सकते हैं। और आगे उधर आगे आपको दिख रहा होगा तो बर्फ़ के पहाड़ है उधर आगे, मैं आपको अगर दिख पाए तो आपको अच्छे से थोड़ा देख सकते हैं आगे सीधे वहाँ बर्फ़ के पहाड़ है, इधर देख सकते हैं इतना मस्त पेड़ है, इधर आम का पेड़। और इधर साइड काफ़ी लोगों ने इधर लुट्टे वगैरह भी बना रखे हैं, गज्जू के लुट्टे। इधर साइड भी है तीन चार। तो ये है चक्की, आवाज़ सुनी सकते हैं, काफ़ी तेज़ आवाज़ है। तो अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ थोड़ा। तो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है, यहाँ पर है बीना, और वहाँ पर देख सकते हैं लाल के दान, और वहाँ से छन के आते हैं चावल, उसमें रहते हैं। तो ये है चक्की यहाँ की सुनकोली में। और जो चक्की की आवाज़ आती है वो वहाँ से, उसमें से धुआं बाहर निकलता है देख सकते हैं। और यहाँ से पूरा इन पत्तियों को हिलाते रहते हैं दूर तक। हेलो गाइस, हम जाने हैं अब घर, धान भी कूट दिया है, अभी जाते हैं हम घर। तो हम जाते हैं घर में, अभी तो बहुत ही है दूर, घर जाके बैठ जाते हैं अब घर में। अब तो ये लोग तो जा रहे हैं। पीछे साइड ये सुमित आ रहा है धान का गट्ठा लेके, तो हम भी निकलते हैं। और बाजारों में जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ आपने देखा होगा, वहाँ लोग पेड़ों पे अपने मतलब लुट्टे वगैरह लगाते हैं पराल गज्जू के, और यहाँ लोग नीचे से लगाते हैं, मतलब बीच में एक बांस का डंडा है किसी चीज़ का, मतलब लकड़ी मोटी सी ऐसे पेड़ टाइप में, फिर इसमें लगाते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं लकड़ी को बीच में डाल के, फिर उसके चारों ओर लगाते हैं, फिर यहाँ से निकाल के ले जाते हैं मतलब गाय भैंसों के लिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ बीच में कूला पड़ता है नीचे पर। और तो चलते अभी सीधे घर को, अभी टाइम भी 11 बज चुका है।